किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में जीवामृत, धन जीवामृत और गोकृपामृत बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य होशंगाबाद जिले में जैविक खेती एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देना है। जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो उससे हमारी लागत भी ज़्यादा हो रही है और अभी देखा जा रहा है कि रासायनिक का उपयोग करने से हमारी फसलों पर और उसका दुष्परिणाम आ रहा है। तो हमारी लागत को कम करना और अधिक उत्पादन प्राप्त करना, जिसके लिए हम जैविक खेती को बढ़ावा दें और उसकी लागत कम कैसे हो उस पर भी हम ध्यान दें। जब हम जैविक खेती करते हैं तो उस जैविक खेती में उपयोग होने वाले जो सामग्री है वो आसानी से हमारे प्रक्षेत्र पर अवेलेबल हो जाती है, जिसका उपयोग करके हम अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। जीव अमृत बनाने की विधि जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। जीव अमृत बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन। बेसन हम मूंग का ले सकते हैं या चने का ले सकते हैं। मूंग या चने का हम अगर बेसन यूज करते हैं तो उसमें पोषक तत्व जो जीव है उनके लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और इसके साथ लेते हैं 1 किलो गुड़। जो हमारे पास जीव अमृत बनाने की सामग्री है उसमें सबसे पहले हम 200 लीटर वाला एक ड्रम लेंगे। उस ड्रम में 10 किलो देसी गाय का गोबर डालते हैं। उसके बाद उसमें 10 लीटर गोमूत्र और 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ डालते हैं। जो 1 किलो हम गुड़ ले रहे हैं, इस गुड़ को पहले अच्छे से पानी में घोल लेंगे और घोलने के बाद फिर इसको हम ड्रम में डालते हैं। अब इस पूरी सामग्री डालने के बाद इसमें 180 लीटर पानी डालते हैं और इसको हिलाया जाता है। यह हिलाने की जो प्रक्रिया है ये घड़ी की दिशा में हम करते हैं। फिर इसको ढकते मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं। कवर इसलिए किया जाता है कि इसको 7 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं। 7 दिन के बाद ये हमारे उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको हम अपने खेतों में डालेंगे।